आज हम चित्र हिंदी बुक कक्षा 9वीं से पाठ 15 का मेघ आए काव्य पाठ का पाठ पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर देखेंगे। मेघ आए बड़े बनकर के सबर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खोलने लगी गली गली। काहुन ज्यों आए हो गांव के शहर के मेघ आए बड़े ठंड के सबर के। इसमें मेघ आए के भावार्थ में बताया है कवि ने कि वर्षा ऋतु आने पर गांव में दिखाई देने वाला उत्साह का चित्रण किया गया और कवि बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद शहर से अतिथि के रूप में दिखाई पड़ रहा है और वह बंधन का ससुराल जाता हुआ बताया गया है। मेहमान आते हैं तो बच्चे उनकी सारी आगे आगे दौड़ दौड़ कर गांव में बात को फैला देते कि हमारे घर जीजा आए कौन आया कर। दरवाजे खोलकर उसे देखने के लिए निहारने के लिए घरों घरों से बड़ी बेताब से लोग झांक रहे हैं और वर्षा इसका अर्थ यह है कि वर्षा ऋतु में हम बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारा आकाश बादलों से ढका हुआ है, सोंधी सोंधी हवाएं चल रही हैं और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि पेड़ झुक जाने झांकने लगे गर्दन उचकाए आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए बाकी चितवन उठा नदी ठिकरी घूंघट सर के मेघाए बड़े बंटन के सवर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने का प्रकृति में आने का बदलाव का वर्णन किया है। उसका बहुत सुंदर ढंग से मानवीकरण किया गया है। कवि कहते हैं कि आसमान पर बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है कि जैसे ऐसे धूल उड़ रही है कि जैसे मानो लगता है कि गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हैं। हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे गर्दन उचकाकर लोग मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लगती है जिसके कारण रास्ते में धूल उड़ने लगती है और हवा झुक जाती है। वृक्ष के पास है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। फिर है बूढ़े पेपल ने आगे बढ़कर जुहार की बरस बाद सुधीरिनी बोली अकुलाई लता ओटो केवार की हर साया ताल लाया पानी परात भर की मेघ आए बड़े बंधन के समय। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामान के आने का आगमन बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है और इन दिनों घर आते हैं तो बड़े बुजुर्गों ने झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान जीवन संगनी हठ पूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे झुककर कहती है कि आप इतने दिनों से मेरे बारे में कोई शुद्ध खबर नहीं ली, क्या इतने दिनों के बाद मेरी याद नहीं आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम पान दुलाते हैं, तो इसलिए कवि कहते हैं कि परात भर के का उपयोग किया गया है पानी। इसका अर्थ है कि वर्षों के बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों की व्याप्त लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत करती हैं और प्यासी में इंतजार कर रही हैं। बादलों के आने से खुशी तालाब उभराया है और उसके पास जितना भी पानी है वो थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। छिपते जटारी शहराई दाबली दमकी क्षमा करो गांठ खुल गई है भरम बांध टूटा जल झर के मिलन के अश्रु धर के मेघ आए बड़े बंधन के सबर के। इस पंक्ति में बताया है कि प्रेमिका को प्रीतम से आने की खबर जो भ्रम लग रही थी वह आकर
सूझ जाते, डर के मेघ आए बड़े पर डर के सवर के। तो इसमें बस क्या बताया कि प्रेम को प्रीतम के आने की खबर भ्रम लगती है उसको, और बस आकर घर के ऊपर छत पे बरस कर चली जाती। प्रेम का कैसा बिजली से दौड़ उठती है उन्हें, और देखकर प्रेम का तो भ्रम टूट जाता है कि मन ही मन प्रेमी को क्षमा याचना करने लगती है। और आपसी मिलन के कारण व्यापार खुशी से चलते ही दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं, यानी बादल और बारिश से मिलकर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं आसमान बादलों से ढक चुका है, बिजली चमकने लगी है, हमारी मन की ये आशंका हो गई है, दूर हो गई कि वर्षा नहीं होगी, और इस विचार के साथ बादलों से बरसात होने लगती है, और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में चमक बहुत ही सुंदर लग रहे। फिर बादलों प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे कि क्या है। बच्चों ये मेघाय कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी हुई है, और इनका जन्म 1927 में हुआ था। किनके द्वारा? लेखक सर्वेश्वर दयाल, लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल। जन्म इनका 1927 में हुआ। और रचना इनकी है काट की नदी घंटियां, काट की घंटियां, बांस का पुल, और इनने 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। निधन कब हुआ? 1983। संपादक भी थे 83। अब हम बच्चों देखेंगे कि प्रश्न उत्तर क्या। बादलों के आने पर प्रकृति ने जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो उत्तर है बादलों के आने पर प्रकृति में भिन्न तरह के परिवर्तन होते हैं। बादलों के आने से सूचना बयार नाचते गाते देखती हुई चलती है। बादलों के आगमन से सूचना मिलती है कि अतिथि सत्कार के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दी जाती हैं। वृक्ष कभी झुककर तो कभी उठकर देखने को प्रयत्न करते हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के प्रति धूल पेड़ नदी लता ताल का प्रतीक बताइए कि इसका क्या है। धूल का प्रतीक स्त्री है, पेड़ नगर वासी है, नदी स्त्री, लता मेघ की प्रतीक्षा करने वाली नायिका है, ताल सेवक है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा क्योंकि वह मेघ के देह से आने का कारण व्याकुल होकर पूछ रही थी और संकोचवश उसके सामने नहीं आ सकती थी। इसीलिए भाव स्पष्ट करें, क्षमा करो बाट खुल गई अब भरम की, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी गुंगर सर के। तो क्षमा करो का क्या है? नायिका को यह भ्रम रहता है कि प्रिय अब अर्थात मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी शंकाएं मिट जाती हैं, तो वह क्षमा याचना करने लगती है। फिर बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी गुंगर सर के, मेघ के आने का भाव सभी पर पड़ रहा है। नदी ठिठक कर जब ऊपर देखने को चेष्टा करती तो उसका गुंगर सरक जाता, तुलसी नजर से वह आए हुए आगंतुक को मेहमान को देखने लगती है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन होता है? मेघ रूपी मेहमान आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं, पेड़ संतुलन खो देते हैं, तालाब पानी में धसकुतल होने लगती, पीपल पुराना पेड़ वो भी डूब जाता है, और कड़क मेघों के लिए वन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर है
बहुत दिनों तक आने के कारण गांव के मेघ की प्रतीक्षा की जाती, जिस प्रकार मेहमान दवान दिन बहुत दिनों के बाद आते हैं उसी प्रकार मेघ के भी समय बाद आए हैं, इसलिए अतिथि घर आते हैं। तो संभवतः उन्हें देर होने का कारण उनसे बंटन कराना ही होता है। और कभी मेघों के में सजीवता डालने के लिए मेघों के बंटन के सबब के आने की बात बार बार कह रहे हैं। कविता में आए हुए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार का उदाहरण बताइए या खोजिए। तो रूपक अलंकार कहाँ कहाँ पर आया है, जैसे इन पंक्तियों को देखें, आगे आगे नास्ती बयार चली, यहाँ बयार स्त्री के रूप में मानवीकरण, किसके रूप में, स्त्री के रूप में। फिर मेघ आए बड़े बंटन के सबक के, मेघ का दामन के रूप में मानवीकरण किया गया। पेड़ झुकने झांकने गर्दन उठाए, पेड़ों का है ना। फिर इधर धूल भागी घाघरा में धूल का। फिर बूढ़े पीपल ने बढ़कर द्वार, यानी इधर से पीपल के पेड़ ने झुककर स्वागत किया उसका बताया है। फिर बोली अपलाई लता, इधर किसका, लता स्त्री की प्रतीक है, इसलिए इसका मानवीकरण रूपक अलंकार बताया। अब है रूपक अलंकार क्षितिज अटारी, यहाँ क्षितिज को अटारी के रूपक द्वारा प्रस्तुत अलंकार बताया है। दामिनी में, दमकी में, दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूपक में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बांध टूटा, झरझर मिलन की अश्रु के, झरझर मिलन की अश्रु द्वारा बारिश माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। फिर है कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ उनका वर्णन करिए। तो कविता में हुआ है कि कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामन आने के रोचक वर्णन को लिखिएगा। तो कविता में मेघक दामन और उसका समानता बताई गई है। गांव में मेघ दिखते हैं तो गांव के सभी लोग उत्साह होकर खुशियां मनाते हैं, तालाब जल उथल पुथल मची हुई है ना। पूरा ये सब वर्णन बताया गया है वर्षा ऋतु का और बादलों के चमकने का आदि का और उनके आने का सत्कार सम्मान का वर्णन बताया गया। काव्य सौंदर्य लिखिए, पावन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंटन। तो अर्थात इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें मानवीय रूप अलंकार है, मानवीकरण और चित्रात्मक शैली का उपयोग किया गया है। सौंदर्य का मनोरम चित्रण हुआ है। कविता की भाषा सरल सहज होने के कारण ग्रामीण भाषा जैसे पावन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और बा वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में करने हैं और आपको पुस्तक से अधिक पढ़ना है, देखकर कि कौन सी कविता कहाँ से पढ़ा रही है, क्या अर्थ पढ़ाया गया है, इसको आपको बार बार बुक से जरूर पढ़ना है ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और परीक्षा पास में आ रही है तो इससे तैयारी हो सके। F7 F8 सिर्फ फंक्शन F8 नीचे अच्छा ये